वाली हूँ सारे सेलिब्रिटीज की फेवरेट रेसिपी और देखते हैं उनकी मूवी की तरह उनकी रेसिपीज भी हिट है या फिर फ्लॉप। तो सबसे पहले आती है दीपिका पादुकोण की रेसिपी जो कि भूटान की ऑथेंटिक डिश है जिसका नाम है इमा दाशी। तो सबसे पहले उसको बना लेते हैं। इधर मैंने देखो इस तरह से चिली फ्लेक्स मतलब चिली को अलग कर दिया है, बीज इसमें से निकाल दिया है और इसको हम यूज़ कर लेंगे। पहले मैंने इसमें डाला बटर और इसको हम मेल्ट कर लेंगे। चिलीज एंड चीज एंड इट्स लाइक मैश टुगेदर एंड इट्स लाइक एन अचार इक्विवेलेंट, दे ईट इट विद आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा ये वेयर्ड लग रहा है लेकिन ट्राई करके देखते हैं ये सच में अच्छा है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वेयर्ड लग रहा है चिली चीज़ और वाटर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। बत्ती गुल हो गई थी इसलिए चलो फिर से ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। दीपिका पादुकोण को ये सब खाने का क्या मजबूरी है, कितना अच्छा छोले है ये सब, कितना इंडियन खाना कितना अच्छा है, ये सब क्यों ही भूटान का डिश खाते रहती है। लेकिन चलो पहले जज करने से पहले ट्राई करके देख लेते हैं कि ये है कैसा। किसी तीखी है क्योंकि मिर्ची डली हो तो ऑफकोर्स तीखी होगी। गार्लिक का हल्का सा टेस्ट आ रहा है और चीज़ का भी टेस्ट आ रहा है, लेकिन आई थिंक चावल के साथ ये उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना उन्होंने तारीफ़ किया था और बाकी सबने किया था, मुझे ये फ्लॉप लगा। बिड़ू लोग कैसे हो सभी, सब बढ़िया, क्या हाल चाल बिड़ू? हाँ तू बड़े बच्चे है, हाँ तू भी बड़े बच्चे है, हाँ तू ही बड़े बच्चे है, सभी लोग झाड़ लगाओ बिड़ू, ऐसा झाड़ लगाओ सभी लोग। वैसे आज जैकी दादा ने हमें कुछ काय बनाने को, तो चलो बनाते हैं बिड़ू लोग। तो सबसे पहले जैकी दादा ने कहा है कि खच खच प्याज काटने का, तो हमने काट लिया है बिल्कुल, भिंडी है जो मैंने टाइगर से कटवा लिया है, बड़ा बच्चा है वो भी, बड़ा बच्चा है मैंने कटवा लिया है। ऑयल के अंदर जो अच्छा ऑयल मिले, कांदे को अपने को काटने का चौकंडी, चौकंडी मतलब क्यूब मिले आज, उसमें डाल देना। कांदा भिंडी सूखा होता है तो उसको हिलाने का नहीं। देखो नमक हल्दी डाल देना, जैकी दादा ने भाई नहीं बताया था, अब इसको जैकी दादा ने नहीं कहा हिलाने का तो हम नहीं हिलाएंगे। ये बन के रेडी तो हो गया लेकिन ये इतना गीला गीला क्यों है, चलो खा कर देखते कि ये है कैसा। चलो खा के देखते इसको। ये तो पिज़्ज़ा है। आपको क्या लगा ये पिज़्ज़ा जैसा लगेगा? भिंडी है तो भिंडी जैसा ही ना लगेगा, नॉर्मल भुंजिया लग रहा है, आप जैसे घर में बनाते हो वैसी, लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हो, जैकी दादा का भी मान रख लो यार। तो नेक्स्ट रेसिपी है आलिया भट्ट की फेवरेट फ्रूट सैलेड सुंदर, और उसको कद्दूकश कर लेते हैं। अब देखो उनके पास तो चार लोग आगे पीछे रहते हैं लेकिन हमारे अगल बगल में कोई नहीं है, इसलिए खुद ही करना पड़ेगा हमें। अब हम इसमें डालेंगे कर्ड, अब मैं डालूंगी इसमें तड़का क्योंकि ही तड़के के बिना नहीं खाती हूँ। इस रेसिपी से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आई लव दही, तो ट्राई करके देखते हैं कि ये हिट है या फिर पास। दिखने में तो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, एकदम पिंक पिंक बहुत मस्त लग रहा है। आई लव दिस रेसिपीज, ये तो हिट होना चाहिए, आप ये जरूर ट्राई करना। हुड़ दवंग 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 हुड़ दवंग दवंग दवंग, गेस करो कौन सा सेलिब्रिटी है। गेस करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि सल्लू भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? सल्लू भाई। तो ये है सल्लू भाई की फेवरेट प्याज वाली अचार, तो चलो इसको बनाते हैं।
ये कुछ ऐसा दिख रहा है और चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि सल्लू भाई की रेसिपी है कैसी आखिरकार। बताओ तो अगर आप प्याज खाते हो ना तो ये रेसिपी आपको जरूर अच्छी लगेगी, क्योंकि प्याज में एक अलग सा जो अचार की फ्लेवर आ रही है ना काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और आपको जरूर पसंद आएगी। तो ये रेसिपी भी हिट है। ये है जानवी कपूर की फेवरेट इंस्टाग्राम रेसिपी, दही वाला तड़का, जीरे का, राई का, दोनों का एंड चिली का। गुड, इज दैट अ वेरी साउथ इंडियन थिंग टू डू? इट्स एन इंस्टाग्राम रेसिपी। लेट्स मेक दही वाला तड़का। दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी गार्लिक, थोड़ा सा प्याज सॉटे थोड़ा सा कर देंगे, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ्रेश क्रीम और कर्ड को मिक्स करके एक ऐसा स्लरी टाइप बना दिया है। इसको अच्छे से भूंज लेंगे। हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्का सा हल्दी पाउडर, मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे। तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, चलो ट्राई करके देखते हैं ये सच में उतनी अच्छी है या फिर नहीं। वाओ, ये पता है बिल्कुल कढ़ी जैसी लग रही है, एकदम मसालेदार कढ़ी है, बहुत ज्यादा मस्त है यार। गेस करो अगला सेलिब्रिटी कौन होगा? तो लेट्स मेक फराह खान फेवरेट। इसको की लाइम पाई बुला सकते हैं या लेमन पाई बुला सकते हैं। तो उसके लिए पहले पार्ले जी बिस्किट, बिस्किट नहीं दोस्तों, क्योंकि बिस में किट होता है इसलिए इसको बिस्किट नहीं कहा जाता है, बिस्कुट कहा जाता है, समझ रहे हो ना, बिस्कुट। तो ये बिस्कुट को अभी हम पीस लेंगे क्योंकि फराह खान जैसी रेसिपी बनाने के हमें करना होगा। है टिफिन जिसमें मैं इसको डालूंगी और ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, बस वही। ये हम फ्रेश क्रीम, अब बारी है इसमें नींबू डालने का, निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा। ये हो गया रेडी, अब इसको 2-3 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज करना होगा क्योंकि ये अच्छे से फ्रिज हो जाए उसके बाद मस्त खाएंगे लेमन पाई। हमारा डब्बा हो चुका है रेडी, अब इसको खोल के देखते हैं कि कैसा बना है हमारा लेमन पाई। वाओ, लेमन का जो फ्लेवर आ रहा है ना इसमें काफी ज्यादा मस्त लग रहा है यार, बेस्ट, बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। तो आज की वीडियो में हमने काफी सारे सेलिब्रिटीज की फेवरेट रेसिपीज को ट्राई किया, उसमें से कुछ रेसिपीज फ्लॉप हुई लेकिन कुछ रेसिपीज बहुत ज्यादा हिट हुई। ऐसे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।